वेलकम फ्रेंड्स टू दी अनादर वीडियो। तो मैं एक्चुअली लाइव करने वाला था, बट लाइव में बहुत ज़्यादा फ्रेम रेट्स गिर रहे और सही से नहीं आ रहा वो स्पीड रन मेरा बहुत स्लो हो रहा। तुमने डे वन देखा होगा तो पता होगा कि ठीक से नहीं खेलते आ रहा, मेरे को लैग आ रहे, फ्रेम बफरिंग सब कुछ हो रहा साथ ही में। तो मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस पे कमेंट्री करके वो वीडियो अपलोड करूँगा जो भी बेस्ट है मेरा। तो अभी का ये वाला मतलब ठीक गया, बट मैंने बहुत जगह पे ऐसी गलतियाँ की जो कि मेरे को कवर करना पड़ेगा स्लो और ज़्यादा फास्ट करने। तो भी मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे को गिरने का बहुत डर लगता, वो अगर मैंने ओवरकम कर दिया तो मैं और अच्छे से कर सकता ये स्पीड रन्स। स्टार्टिंग का तो इजीली हो गया ये वाले पार्ट्स, मतलब उतना टाइम नहीं लगा, बट थोड़ा सा लगा तो इसको भी और थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। ये भी ठीक से गया, तो इसका भी शॉर्टकट सीखना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से रीलिंग पे जंप और रीलिंग सही सीख हुई थी। हाँ, यहाँ पे मेरे को लगा था गिर जाऊँगा मैं स्टेयर स्किप से, ऑलमोस्ट खतरनाक डर लगा था यहाँ पे, गिरा नहीं बट। और यहाँ पे भी ऊपर से भी क्या अजीब खेला मैं यहाँ का पार्ट फर्नीचर का। कि तो भी हो गया तेजी से फटाफट से। अब ये ऑरेंज हिल का पार्ट, यहाँ पे मेरे को रिस्क लेना बहुत डर लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा, तो मैंने नॉर्मली खेला। ये वैसे डे टू है, मैं अभी डे टेन तक करूँगा ऐसी स्पीड रन जो बेस्ट है मेरे, और देखते उतने टाइम तक हो सकते क्या। लाइव में मेरा लैग हो रहा इसलिए मैंने नहीं किया। हाँ, मेरे को डायर थम के जो है ना जैसे एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा, अटकना नहीं चाहिए थम पे मेरा हैमर, डायरेक्ट वहाँ से ऊपर आना चाहिए तब और ज़्यादा तेज होगा। यहाँ पे भी टाइम वेस्ट कर रहा मैंने बहुत ही ज़्यादा। ज़्यादा हुआ नहीं टाइम वेस्ट, एनविल पे हुआ, एनविल पे गलती किया मैंने। ऐसे ऐसे तुमको लग रहा होगा क्या ये एक ही बार तो मिस्टेक हुई, इसमें क्या ही टाइम जा रहा, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इसमें। इसी में अगर ऐसे मेरे 20 सेकंड निकल लिए एक्स्ट्रा के, इधर के पार्ट में मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया बहुत ही ज़्यादा। इधर थोड़ा तेज कर लेता मैं 20 सेकेंड 30 सेकेंड तो मेरा रिकॉर्ड बीट हो जाता, इसीलिए बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ता। कोई जगह पे फास्ट हो जाता, कोई जगह पे बहुत स्लो हो रहा। इधर भी मैं गिरते गिरते बचा, देखो ऑलमोस्ट लगा था मैं गिर गया, मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसे चिपक रहे थे उंगलियां एक्चुअली। आप इस टाइम पे स्लिपरी फिंगर्स, यहाँ पे अगर डायरेक्ट कैच कर लेते तो और ज़्यादा टाइम बच जाता, बट हुआ नहीं। मैंने इधर भी टाइम वेस्ट किया स्नो क्लिफ के पार्ट पे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया लिटरली यहाँ पे। ऐसे टाइम वेस्ट हो रहे मेरे लिटरली, इसका रिकवर करना पड़ेगा को स्नो क्लिफ के पार्ट को और तेज़ करने के लिए विदाउट मिस्टेक करनी पड़ेगी स्नो क्लिफ का पार्ट। यहाँ से हो गया फिर कंप्लीट। ऐसे पैनिक करते ना, पर जब एंडेड में आते ना तो थोड़ा पैनिकनेस बढ़ जाता कि अरे हो रहा कंप्लीट, मेरा रिकॉर्ड बीट हो जाएगा, रिकॉर्ड बीट हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर दिया था मैंने, बट नहीं, मैंने एनिविल के टाइम बहुत वेस्ट किया टाइम, और स्नो क्लिफ पे भी बहुत टाइम वेस्ट किया। वो मेरे को याद ही नहीं रहा, एनिविल का मेरे को सल्ली कर लेता था, बहुत इजीली हो जाता है एनिविल का, पता नहीं वो उधर पैनिक क्यों कर गया मैं। सो मैंने स्पेस भी जल्दी कर लिया, मतलब स्पेस में भी टाइम नहीं लगाया, तो स्पेस की थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो बहुत टाइम वेस्ट होता।
बस यार इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट डे 3 पे, देखते वो वाला स्पीड रन कैसे जाता।